यूजीसी एकेडमी स्टाफ कॉलेज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभाग का 11वां पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन गुरुवार को विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा स्थित मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर जयशंकर झा, हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर राधेश्वर सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर छाया रानी, यूजीसी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की निदेशक डॉक्टर नूतन त्यागिन के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रांत के कुल 46 शिक्षक प्रतिभागी मौजूद रहे। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने संस्कृत वाडम्बे में अपना आख्यान परंपरा विषय पर मंथन किया। आपको बताते चलें कि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का समापन 31 अगस्त को विभाग के सभागार में आयोजित होगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विभाग की अध्यक्ष व समन्वयक डॉक्टर छाया रानी ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा। कि ये विष पीने की आदत तो आपको रही है, ये मैं तो आया था यहाँ माखन मिश्री खाने, मुझे यहाँ विष पहला ही प्रारंभ हो रहा है, खाता ही खुल रहा है विष पान से। तो इस प्रकार से वे तो भगवान भोलेनाथ को आवाहन कर रहे थे। फिर क्योंकि महात्मा कहते हैं कि यदि वो साक्षात देख लेते नेत्र खोल करके तो पूतना का ज्ञान प्रकट हो जाता। पूतना को परमात्मा जिसको देख लेंगे वो क्या ज्ञान में रहेगा, उसका तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसीलिए उसका ज्ञान प्रकट हो जाए तो लीला नहीं होगी, लीला नहीं होगी तो भगवान ने लीला बिहाड़ी है, लीला लास से संलग्न है। गाता है लोलो पिलोल ताम, देखिए स्वयं अलोल है अर्थात अडोल है, उनमें कोई चांचल नहीं है। लेकिन गाता है अलोलो पिलोल ताम, गाता है लोलताम मने चांचल्य में गाता है तम लीला बपु संबालम, ऐसे लीलाधारी जो श्री कृष्ण हैं उनकी अभ्यर्थना करते हुए उनकी स्तुति भी की गई है। तो इस प्रकार से हम चूँकि संकेत है कि अब थोड़ा समेटना है, तो मैं चाहूँगा कि आपको अपने गुरु जी की एक बात याद आ गई कि हम यदि सब कुछ पढ़ लिए और गीता और भागवत से रामायण से महाभारत से कट गए तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी हमारी स्थिति कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है? तो इस पर एक जयमंत मिश्र, आचार्य डॉक्टर जयमंत मिश्र, जिनका नाम मैं कल भी लिया था और जो प्रातः स्मरणीय हैं, तो एक बार वो अपना अनुभव बता रहे थे। वो कह रहे थे कि गीता जयंती में एक बार कहीं गए थे तो एक गीता के संबंध में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है नहीं, कि वो जो है गीता सुगीता कर्तव्या कि मन ने शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिष्ठा सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत। तो दुग्धं गीता मृतं महत इस श्लोक को समझा रहे थे, बताए जा रहे थे। अर्थ तो स्पष्ट है कि ये जो है सारी उपनिषदें गाय के समान है और सर्वोपनिषदों का वो दोगधा गोपाल नंदन है और उस गाय को दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण है। दोगधा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है और गीता रूपी अमृत वह दूध है और उसके चलते गाय अधिक से अधिक दूध दिए जा रही है। तो इस प्रकार से समझाते समझाते उसकी व्याख्या उन्होंने करके जब मंच से उतरे तो एक सज्जन उनके पास आए, उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत ही आनंद कर दिया, बहुत विलक्षण आपने गीता की सारी बात समझा दिया। तो एक चीज लेकिन हम नहीं समझ पाए, उन्होंने कहा ये क्या नहीं समझ पाया? तो वो जो आपने कहा कि वो जो सर्वोपनिषदो गावो उसमें आगे कुछ दो गधा कौन था, दो गधा दो गधा कौन था उसमें? तो इन्होंने कहा एक तो मैं था और एक आप थे, आप जैसे श्रोता और एक मुझ जैसा वक्ता, ये दो गधे उसमें थे। तो इस बात को परिहास के लिए नहीं, मैं दुखी होकर कहते थे कि आज आप किसको क्या सुनाएंगे, मतलब ये स्थिति जा रही है। लेकिन ये स्थिति हम लोग हैं, इस स्थिति को थोड़ा सुधार सकते हैं।
कर सुधार सकते हैं। मिलित्वा वयं सर्वं कर्तुं शक्नुमः, तो हम सब संकल्प के साथ जो अद्भुत ज्ञान है श्रीमद् भागवतम में और अंत में भागवतम का जो सिद्धांत तो अंत में आता है कि नाम संकीर्तनम जस्य, 18,000 श्लोक यही है कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। इसी को इतना अपनाया कि नाम संकीर्तन, जिनके नाम संकीर्तन मात्र सर्व पाप की निरंतरता यदि बनी रहे, तो कहते हैं कि नाम की निरंतरता यदि किसी की चेतना में नाम की धारा प्रवाहित होती रहे, हम राधा राधा कहते हैं हमारे धार डूब जाएंगे। कहते हैं कि ना तावत कर्तुं शक्नोति बात कर के निर्हरण शक्ति नाम के अंदर में जितनी है उतना। ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग में जो आयोजित है, इसमें संस्कृत विषय के शिक्षकों को दी जाने वाली इसमें अपनी पाठ्यचर्या के प्रति उनको जीवंतता प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। कौन इसमें मुख्य अतिथि, किनके द्वारा है? यहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे बीच प्रतिदिन कहिए या प्रति दो दिन पर हर दिन हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपके समक्ष यहाँ पर प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र जी कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय से हैं, हरियाणा से, आपका व्याख्यान अब शुरू होने वाला है, और मिथिला विश्वविद्यालय से जो आए हैं उनका चल रहा है, उनका समाप्त हो रहा है, और इसी तरह से दिल्ली से आए हमारे बीच प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र जी, प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी। कितने प्रतिभागी हैं, कहाँ कहाँ से आए? 46 प्रतिभागी हमारे कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं, और यह तमिलनाडु, सिक्किम, गंगटोक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, अन्य प्रांतों से भी आए हुए यहाँ पर प्रतिभागी सम्मिलित हैं। प्रमुख रूप से शिक्षकों को किस प्रकार की गुणवत्ता? प्रमुख रूप से शिक्षकों को एक कुछ विषय चुन करके उसी विषय के प्रति पूरे संस्कृत वाङ्मय में जहाँ हर क्षेत्रों को स्पर्श करते हुए जो वहाँ पर उपलब्धता है उसी का यह एक तरह से रिसर्च क्षेत्र ही है, जिसको यहाँ पर ये लोग उसी को लेकर के, उसी बिंदु को लेकर के ये लोग अपना ज्ञान बढ़ाते हैं।